नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वो प्रोडक्ट है सर्दियों के लिए बना हुआ और ट्रैवलर्स के लिए। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, भयंकर वाली ठंड, तो हर टाइम आपको कुछ गर्म गर्म कोजी कोजी चाहिए। तो ऐसे में आप कपड़े भी ऐसे ढूँढते हैं कि जो कोजी हो, आपको वार्म रख सके। तो सबसे बेस्ट जो फैब्रिक आपको वार्म रखने के लिए मानी जाती है आजकल, वो फ्लीस है। फ्लीस बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक ही है, फाइबर है, बारीक थ्रेड्स बनाई जाती हैं, उसके बाद कपड़ों में उसको स्टिच कर दिया जाता है। जैसा कपड़ा बनाना है, टी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, मल्टीपर्पज़ हैं। फ्लीस के जो प्रोडक्ट्स हैं मल्टीपर्पज़ यूजेस के लिए हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट मैं मार्केट में सर्च कर रहा था, तो लोकल मार्केट में तो मिला नहीं, तो ऑनलाइन चेक किया, क्योंकि मैं भी ट्रैवलर हूँ और सर्दियों में अक्सर अगर आपको पहाड़ों में जाना है तो आप कुछ गर्म चीज़ कैरी करना मांगते हैं। मेरे पास एक स्लीपिंग बैग है जो कि इतना गर्म नहीं है। मैंने हमेशा कमी महसूस किया कि उसके अंदर कोई लाइनर होना चाहिए फ्लीस टाइप, तो मेरे पे एक लाइनर मिला है, ऑनलाइन ख़रीदा है मैंने। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरे भाई फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, जैसे मार्केटिंग वाले स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी, तो अपने साथ सफ़र के दौरान कैरी कर सकते हैं। लाइट वेट है ये वाला प्रोडक्ट है। दिस इज़ द स्लीपिंग बैग मेड ऑफ फ्लीस। इसका वजन सिर्फ 750 ग्राम है, ईजी टू कैरी, इट कम्स इन अ बैग, छोटा सा बैग है। ये देखें, फ्लीस की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आई एम अ 6 फुटर। ये देखें, तकरीबन 6.5 फुट पहुँच जाती है इसकी हाइट। हालांकि वेबसाइट के ऊपर यही क्लेम किया हुआ है कि 6'2", तो आप जब इसके अंदर चले जाएंगे सोने के लिए या लंबा पड़ने के लिए, तो ये 6'2" तक हाइट के बंदे जो है आराम से इसमें फिट आ जाते हैं। चौड़ाई इसकी है 2.5 फुट के लगभग, तो अच्छा हट्टा कट्टा आदमी जो है वो इस बैग में फिट हो जाएगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। अब मैं इसको जो है स्लीपिंग बैग जो होते हैं नॉर्मल, उसके अंदर लगाऊंगा और फिर इसके अंदर मैं खुद लेट सकता हूँ। तो ये मेरे को वार्मथ प्रोवाइड करेगा। मैं सफाई पसंद हूँ बहुत ज़्यादा, और होटल्स वगैरह में आपको पता है जितने मर्जी बड़े होटल हों, उनकी बेड शीट्स और पिलोस वही चलते हैं। पता नहीं कब नए खरीदते होंगे या कैसे धोते हैं वो, तो अनहाइजीनिक वो लगता है बहुत ज़्यादा, सेफ के लिए भी बैड है। मैं इन बातों का ख्याल रखता हूँ, तो मैंने अपना ही ये अब पहले स्लीपिंग बैग लेके उसके ऊपर एक एडिशनल आप ब्लैंकेट वगैरह ले सकते हैं जो होटल प्रोवाइड करता है। तो कम से कम जो आप इनर में घुसे हैं वो तो आपका अपना है और हाइजीनिक है। तो ये वॉशेबल है, आपने जस्ट इसको टक इन करना है स्लीपिंग बैग में, और अगर ज़्यादा ठंड लगे तो आप इसको ऊपर भी ले सकते हैं ऐसे करके। तो बड़ा हैंडी है, ये देखें, आपको वार्म रखेगा पहाड़ों के जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर। इसके साथ उन्होंने जिपर दिया हुआ है एल शेप में, यहाँ वेलक्रो लगा रखा है उन्होंने ताकि जिप पर को लॉक लग जाए, ऐसे खुले ना जब आप रात को इसमें सोएं। ये जिपर ऐसे खुलकर एल शेप में है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कई बार जिपर के बीच में चीज अड़ जाती है। तो ये एक फुल फ्लैश ब्लैंकेट बन जाती है, बहुत ही बढ़िया। आप एज अ ब्लैंकेट भी इसे यूज कर सकते हैं, और अपने ऊपर आप ऐसे पहाड़ों में या ठंडे इलाके में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इवन गर्मी में आप जब ट्रैवल करते हैं मई जून में भी, तो ट्रेन के जो एसी होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्ड होते हैं,
इतने चिल्ड की आपको कंपकपी लगती है वहाँ पर, और वो लोग आपको कुछ गर्म प्रोवाइड नहीं करते। और गर्मियों में आप वैसे भी जैकेट्स वगैरह पहनते नहीं हैं और ना ही कैरी करना पसंद करेंगे क्योंकि ऑकवर्ड लगेगा। तो ये चीज़ बड़ी काम आएगी, हाइजीनिक है आपका पर्सनल हाइजीन की जो केयर है वो ये चीज़ प्रोडक्ट ध्यान रखेगा। इसको आप कभी भी वॉश कर सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं वहीं जाकर वॉश कर सकते हैं। क्विक ड्राइंग है क्योंकि फ्लीस हमेशा क्विक ड्राइंग होती है, ये पानी नहीं एब्जॉर्ब करती इतनी आसानी से। इसके साथ उन्होंने एक पिलो दिया है, ठीक ठाक पिलो है ये, आप अपने मुंह से इसमें हवा भर सकते हैं, वो ट्रैवलिंग के लिए सही है। आप इसके बैग के अंदर ही फिट कर सकते हैं इसको, थोड़ा फेफड़ों में दम चाहिए इसको भरने के लिए, 5 से 7 बार फ्लो करना पड़ता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए भर जाता है। तो अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको भरे, हवा की जो क्वांटिटी है उतनी ही है। तो आज मैं इसको चेक करूँगा सारा दिन रख कर लीकेज कितनी होती है इसकी। ये नोज़ल लगी हुई है, माउथ पीस है, मुंह के साथ आपने भरना है और थोड़ा सा दम लगता है, वो भर लेंगे आराम से 5 नहीं तो 10 बार फूंक मार के। जब आप सांस लें तो यहाँ इसको अपने अंगूठे से ढक लें ताकि हवा जो भरी हुई है वो लीक ना करे। तो ये भी इन्होंने साथ में एक दिया है एडिशनल, और ये इसका बैग है, बढ़िया है, वाटर रेजिस्टेंट लग रहा है, कैरी भी कर सकते हैं आप इजीली। 750 ग्राम का वज़न है इनका, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड अब मैं आता हूँ प्राइस पर। प्राइस इसका 850 रुपये का पड़ा है मेरे को होम डिलीवरी, और तीसरे दिन ही फ्लिपकार्ट ने इसको डिलीवर कर दिया था। फ्लिपकार्ट से ख़रीदा मैंने 850 रुपये में, एक फुल फ्लैज आपको सिंगल बेडशीट टाइप ब्लैंकेट मिल जाती है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, काफ़ी वॉर्म है, हाथ में पकड़ते ही फीलिंग आती है कि यू हैव कॉट समथिंग वॉर्म इन योर हैंड्स। तो जितने भी मेरे दोस्त जो ट्रैवलर्स हैं, जो व्लॉगर हैं, जो जॉब्स के लिए ट्रैवल करते हैं, जो हिल्स में जाते हैं और हाइजीनिक कंडीशंस जो है अपने हाथ में रखना मांगते हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट घर में होना बहुत ज़रूरी है, आप कभी भी कैरी कर सकते हैं और महंगा भी नहीं है, सिर्फ 850 रुपये का है और ईजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगले रिव्यू तक मैं कंबल लेके ब्लैंकेट लेकर इसकी वॉर्म्थ फील करता हूँ। कब तक के लिए टेक केयर, बाय, आई विल बी बैक।